इन दिनों माँ दुर्गा की आराधना और विशेष पूजा का पर्व नवरात्रि चल रहे हैं। आज माँ दुर्गा के सातवें स्वरूप यानी कालरात्रि माँ की पूजा अर्चना हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं माँ तरोला के चामुंडा महारानी के दरबार में। यहाँ भक्त दर्शन करने के लिए माँ की एक झलक पाने के लिए उमड़ रहे हैं। इस माँ की एक नहीं अनेकों विशेषताएं, आइए हम इस माँ चामुंडा महारानी के बारे में आपको बताते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कासगंज जनपद की माँ तरोला वाली चामुंडा महारानी की। यहाँ चामुंडा महारानी की प्रतिमा स्थापित नहीं की गई थी, बल्कि यहाँ 2 सैकड़ा वर्ष पूर्व खुद ब खुद एक पीपल के वृक्ष से विराजमान हुई थी। तभी से माँ तरोला वाली चामुंडा महारानी की महिमा दिन दूनी रात चौगुनी की तरह जनपद के ही नहीं बल्कि आसपास जिलों के देवी भक्त दर्शन को आते हैं। चैत्र नवरात्र हो या फिर सर्दी नवरात्र, दोनों ही नवरात्रों में माँ के दरबार में मेला जैसा लगता है। कहा जाता है इस मंदिर की एक नहीं अनेकों विशेषताएं हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से मुराद मांगता है उनकी माँ मुरादें पूरी करती हैं। आज नवरात्र के सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना के लिए भक्त माता रानी के दरबार में पहुँच गए, जहाँ भक्तों ने माँ को 16 चंगा चुनरी आज समान अर्पण कर दरबार में चल रही हवन कुंड में आरती देकर मन से मुताबिक मुरादें मांगी। माँ के दरबार में आए भक्त संतोष अग्रवाल ने माँ की मानता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि जो इस मंदिर में शादी के लड़के व लड़की देखने को कार्यक्रम करता है उसकी शादी को रिश्ता निश्चित तय होता है और वह सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। एक मानता यहाँ बहुत प्रसिद्ध है कि जो भी संबंध तय होते हैं या लड़के लड़की को दिखाया जाता है वो यहाँ माँ के मंदिर में दिखाया जाता है। उनका रिश्ता जरूर ही माँ की कृपा से होता है और आगे वो और ज़्यादा अपने सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसी मैंने यहाँ पर देखा है। जो दर्शन करने आते हैं उनके भी माँ बहुत ज़्यादा कृपालु रहती है। पत्रिका.com के लिए कासगंज से मैं गुड्डू यादव